नमस्कार दोस्तों, हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है इंडिगो एयरलाइंस का, जहां पे कप्तान गैली में आके मतलब कॉकपिट के बाहर आके एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं और आप आवाज़ सुन सकते हैं समवन इज सेइंग नो नो यू आर लाइंग, और एकदम से एक पैसेंजर आके उस कैप्टन पे फिजिकल असॉल्ट कर देता है। अरे हम कितनी देर से बैठे हैं, आप ऐसे क्या नहीं कर सकते, हम पागल है यहाँ पे बैठे हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव तनेजा और मैं एक एक्स एयरलाइन कैप्टन हूँ। मैं ऐसी सिचुएशंस में बहुत बार फंस चुका हूँ जहाँ पे एयरक्राफ्ट डिले होता है फॉग की वजह से, हम डिपार्ट नहीं कर पाते और पैसेंजर्स गुस्से से भरे होते हैं और उनको लगता है सारी गलती पायलट्स या क्रू की है। तो इस वीडियो में समझेंगे कि क्या हुआ होगा या क्या हम बेहतर कर सकते हैं ताकि सिचुएशन फ्यूचर में ना हो। देखिए, सबसे पहले एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव की बात कर लेते हैं। पायलट्स की भी फैमिली होती है, वो भी जब जॉब पर जाते हैं तो वापस घर आना चाहते हैं अपनी ड्यूटी फिनिश करके, जैसे कि आप लोग ऑफिस जाते हैं तो वापस घर आना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि उनका एयरक्राफ्ट डिले हो, कोई भी नहीं चाहता कि वो फंसे रहे। पायलट्स ऑल्सो लव टू फ्लाई द एयरक्राफ्ट रादर दैन सिट ऑन द ग्राउंड विद द एयरक्राफ्ट। वो हमारे लिए भी बहुत बोरिंग चीज़ हो जाती है कि ग्राउंड पे बैठे हैं कुछ पता नहीं होता। अमूमन हम लोग ग्राउंड पे बैठते हैं, कॉकपिट के अंदर बैठते हैं और ATC से सिर्फ अपडेट मांगते रहते हैं और पैसेंजर्स को जैसे ही हमें अपडेट मिलता है हम पैसेंजर्स को अपडेट करते रहते हैं। हमें भी बहुत बार ATC क्लूलेस छोड़ देता है और ATC सिर्फ एक ही चीज़ बोलता है, ऑपरेशनल रीजंस, डिले ड्यू टू ऑपरेशनल रीजंस। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है पैसेंजर्स को ये समझाना कि वो ऑपरेशनल रीजंस क्या है। ऑब्वियसली फॉग में डिपार्ट नहीं कर सकते। आप ऐसे समझिए कि लाइन लग जाती है, एक फ्लाइट 5 बजे की है, एक 5:10 की, एक 5:15 की, 5, तो जब सारी डिले होती ना तो 7 बजे के आसपास तकरीबन 100 फ्लाइट्स हो जाती हैं जो टेक ऑफ नहीं कर पाई और 100 की 100 ऑन ग्राउंड खड़ी होती हैं, जिनके कैप्टन से रेडी होते हैं, क्रू रेडी होते हैं, पैसेंजर्स एयरक्राफ्ट में भर के रेडी होते हैं और सब लोग बस एक ही फिराक में होते हैं कब विजिबिलिटी ठीक होगी और कब डिपार्ट करेंगे। डिलेज जब होती हैं तो पैसेंजर्स, जैसे लेट्स से ये फ्लाइट दिल्ली से गोवा जा रही है, कहीं भी जा रही हो, तो उनको एक डेस्टिनेशन में पहुंचना होता है। आपकी सुबह 9 बजे की मीटिंग थी, आपने सुबह 6 बजे की फ्लाइट ली, अब वो 6 बजे की फ्लाइट लेट हो गई तो आप मीटिंग में नहीं पहुंच सकते, तो इससे अच्छा आप जाए ही ना। देर इज नो पॉइंट ऑफ यू डिपार्टिंग एट 10 o'clock एंड रीचिंग लेट, क्योंकि आपका तो काम हो ही नहीं पा रहा था। आई अंडरस्टैंड कि पैसेंजर्स फ्रस्ट्रेटेड इस वजह से हो जाते हैं। ये दिस कम्स विद द पैकेज वंस यू डिसाइड टू फ्लाई इन द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी, दिसंबर। तो आप जब एयरपोर्ट जाते हैं, टिकट खरीदते हैं, तो यू ऑल्सो साइन ऑन दिस थिंग कि यार यू अग्री ऑन टू द डिलेज, क्योंकि जो वेदर डिलेज होती हैं वो ह्यूमंस द्वारा क्रिएट नहीं की होती है, एंड देर आर सम थिंग्स विच आर आउट ऑफ ह्यूमन हैंड्स एंड यू जस्ट हैव टू डील विद इट। सबको दिक्कत होती है, पैसेंजर्स का काम नहीं हो पाएगा, वो वहाँ जाने का फ़ायदा नहीं है, बट सेम थिंग अप्लाइज टू पायलट्स, क्योंकि उनकी भी एक फ़्लाइट ड्यूटी टाइम होती है। लेट्स से अगर 12 घंटे की ड्यूटी है, सुबह 6 बजे वो स्टार्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम दे कैन फ्लाई अप टू इवनिंग 6, वो उनकी ड्यूटी ख़त्म करनी है। सो अगर वो अपना दिन स्टार्ट ही 12 बजे कर रहे हैं, सो रात को 12 बजे ख़त्म नहीं कर सकते, तो वो भी अपनी ड्यूटी ख़त्म नहीं कर सकते, एंड देन वो कहीं बैंगलोर पड़े हुए हैं, वापस नहीं आ सकते फिर। तो एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेट बैक होम, एवरीबडी वॉन्ट्स टू डू देयर जॉब, एंड ये डिलेज होती हैं। और एक दिन तो ऐसा होता ही होता है, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, एक दिन तो ऐसा होता है कि सब लोग अटक जाते हैं और भयंकर महामारी मच जाती है। हमें लगता है कि हमारे देश में एडवांस सिस्टम्स नहीं है, बट दिल्ली हैज़ ऑल द एडवांस सिस्टम्स जो बाकी दुनिया के एडवांस एयरपोर्ट्स में लगे हुए हैं। बट कितना भी एडवांस सिस्टम हो जाए, देर इज़ अ मिनिमम विजिबिलिटी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू टेक ऑफ एंड लैंड एन एयरक्राफ्ट। हालांकि एयरक्राफ्ट की इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो 0 विजिबिलिटी में भी लैंड हो जाए, लेकिन जब वो लैंड हो जाता है उसको रनवे से बाहर लाने के लिए, इन केस ऑफ इंजन फेलियर डायरेक्शनल कंट्रोल मेंटेन करने के लिए, रनवे की सेंटर लाइन मेंटेन करने के लिए, एक मिनिमम RVR उसको बोलते हैं, रनवे विजुअल रेंज, वो चाहिए होती है, और वो कभी कभी उस मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर से भी वेदर आपका नीचे होता है, इसलिए आप ऑपरेट कर ही नहीं सकते। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि कॉकपिट के बाहर आके कैबिन में फेस द ऑडियंस, फेस द पैसेंजर्स एंड ट्राई टू एक्सप्लेन टू देम व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ डिले, एंड देन हम अनाउंसमेंट करते हैं वहाँ से। ऐसा
कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई भी एयरलाइन फोर्स नहीं करती, हाँ एनकरेज जरूर करती है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि पायलट्स भी वही कर रहे थे एंड उनको लेने के देने पड़ गए, क्योंकि इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था पैसेंजर्स के अंदर और इतनी ज़्यादा डिले हो गई थी। कुछ लोग कह रहे 13 घंटे की डिले, कुछ लोग कह रहे 7-8 घंटे की डिले, वी डोंट नो हाउ मच डिले एक्चुअली देयर वाज, बट वो पैसेंजर भाई इतना गुस्से से भरा बैठा था, उसने आके दे मारा कैप्टन को एंड विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि यार उसकी तो कोई गलती है ही नहीं। वो क्या ही कर सकता है बंदा यार, वो मतलब यू कैन नॉट, वो फ्लाई इसीलिए नहीं करना बिकॉज इट इज़ नॉट सेफ फॉर यू, और आपने आके उसको ही धमका के थप्पड़ मार दिया। बहुत सीरियस चार्जेस लगेंगे उस पैसेंजर्स के अगेंस्ट। इसमें गलती क्या थी, व्हाट वाज द इन फ्लाइट स्टेटस? टेक्निकली जब भी आप एयरक्राफ्ट के चारों डोर क्लोज कर देते हैं द एयरक्राफ्ट इज इन फ्लाइट। आप नॉर्मल किसी भी फ्लाइट में देखिएगा, कैप्टन अनाउंस करता है कैबिन क्रू क्लोज ऑल डोर्स, सबसे पहले कॉकपिट का डोर क्लोज होता है, फिर एयरक्राफ्ट का लेफ्ट का डोर क्लोज होता है जिसको हम L1 डोर बोलते हैं। अगर एयरक्राफ्ट के चारों डोर्स क्लोज हैं सो एयरक्राफ्ट इज टेक्निकली इन फ्लाइट। उस केस में कॉकपिट डोर खुलना बिल्कुल अलाउड नहीं होता। कॉकपिट डोर अगर खुलता है तो सिर्फ कुछ सेकेंड्स के लिए, आई थिंक द बुक सेज 3 सेकेंड्स और समथिंग लाइक दैट, वो सिर्फ क्रू की फिजियोलॉजिकल नीड्स के लिए होता है कि खाना अंदर जा रहा है या कैप्टन को वॉशरूम यूज़ करना है। उसमें दरवाज़ा खुलेगा, कैप्टन बाहर आएगा, दरवाज़ा बंद होगा, वो वॉशरूम यूज़ करेगा एंड द गैली हैज़ टू बी सिक्योर्ड। आप देखेंगे हमेशा कैबिन क्रू पैसेंजर साइड को सेपरेट करती है एक फूड की कार्ट लगा के एंड द क्रू ऑलवेज फेसेस द कैबिन। तो मैं अगर क्रू हूँ, ये कार्ट लगी, आई एम फेसिंग द कैबिन, पीछे कॉकपिट डोर खुलता है, कैप्टन बाहर आते हैं, यहाँ पे होता है वॉशरूम, वो वॉशरूम यूज़ करते हैं ताकि मैं देख सकूँ स्पेशली द फर्स्ट 5, 6, 7 रोज कि कोई बंदा जब कॉकपिट डोर खुल रहा है तो उठ के मेरी तरफ चार्ज ना कर दे। द चार्जिंग विल बी ट्रीटेड एज ही वॉन्ट्स टू चार्ज टूवर्ड्स द कॉकपिट एंड इट्स अ वेरी सीरियस सिक्योरिटी ब्रीच। आपको पता भी नहीं है कि कितनी लंका लग जाएगी अगर आप ये कर देंगे तो। लेकिन उस वीडियो में दिक्कत क्या थी जो आपने देखा, एयरक्राफ्ट के चारों डोर क्लोज थे, एयरक्राफ्ट वॉज टेक्निकली इन फ्लाइट, कैप्टन बाहर आके अनाउंसमेंट कर रहा है जो कि एक सीरियस सेफ्टी लैप्स है, कॉकपिट का डोर खुला हुआ है जो कि एक सीरियस सेफ्टी लैप्स है, और वो बंदा चार्ज कर रहा है कैप्टन के ऊपर। एंड इन दिस केस जो उसने असॉल्ट किया है कैप्टन के ऊपर, असॉल्ट और बैटरी हुई है, वो एयरक्राफ्ट एक्ट एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के अकॉर्डिंग तो ऑफेंस है ही है, IPC और CRPC के अकॉर्डिंग भी वो बंदा गया अंदर। एंड द charging on the captain will be treated as a probable force to overtake the craft, मतलब वो hijacking तक भी बात जा सकती है अगर प्रूव कर दिया जाए तो। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ी बातें, टेक्निकल बातें, ताकि पैसेंजर्स को थोड़ा और समझ में आएगा कि यार लो विजिबिलिटी में पूरा सिस्टम ऑपरेट कैसे करता है। देखिए टेक ऑफ करने के लिए दिल्ली में आपको रनवे विजुअल रेंज चाहिए होती है 125 मीटर की। वो 125 मीटर इसलिए चाहिए होती है कि आप जब टेक ऑफ कर रहे हैं और आपका टेक ऑफ में कुछ गड़बड़ हो गई या आपका इंजन फेल हो गया, दो इंजन न गए, आप फुल पावर में जा रहे हैं, एक इंजन फेल हो गया तो जहाज एक तरफ को भागेगा, उसको बोलते हैं वियरिंग। तो द पायलट शुड बी एबल टू सी द सेंटर लाइन, तभी तो वो डायरेक्शनल कंट्रोल मेंटेन कर पाएंगे या फिर आपको रिजेक्ट करना है टेक ऑफ कुछ हो गया। सो इन एविएशन यू ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सिचुएशन। तो वो मेंटेन करने के लिए आपको एटलीस्ट 125 मीटर की विजिबिलिटी चाहिए होती है, और ऐसा बोलते हैं कि रनवे सेंटर लाइन पे जब आप बैठे हो तो सेंटर लाइन पे लाइट्स लगी होती है तो एटलीस्ट आप आगे की 6 लाइटें देख सको, दैट इज़ 125 मीटर अप्रॉक्सीमेटली अगर पायलट को जज करना है। तो हमको जब तक ATC नहीं बोलता कि RVR 125 मीटर है हम नहीं जा सकते, चाहे कितनी भी फॉग हो आपको उतना चाहिए ही होता है। लेकिन उल्टा लैंडिंग के लिए आपको सिर्फ RVR 75 मीटर चाहिए। अब लोगों को सुन के अचंबा लगेगा कि लैंडिंग के लिए कम विजिबिलिटी चाहिए और टेक ऑफ के लिए ज़्यादा चाहिए, भाई ऐसा ही होता है और इसीलिए लोगों को लगता है कि पायलट उनसे झूठ बोल रहे हैं। और यहाँ पूरी स्टोरी घूम के आती है जब वीडियो की स्टार्टिंग में आप देखेंगे वो बंदा बोल रहा है नो यू आर लाइंग, दैट मीन्स ही इज ट्राइंग टू से कि पायलट जो रीज़न एक्सप्लेन कर रहा है उनको कि डिले क्यों हुई, तो वो पैसेंजर उससे कन्विंस नहीं है, उनको लगता है पायलट झूठ बोल रहे हैं, क्रू झूठ बोल रहा है, और पूरा एयरलाइन मैनेजमेंट आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू कवर अप देयर फेस एंड प्रॉबेबली उसी लिए सारे पैसेंजर्स गुस्सा होकर और उनमें से एक उठ के आके उसने कैप्टन को पंच कर दिया। होता क्या है, लैंडिंग के लिए RVR चाहिए 75 मीटर। आप देख रहे हैं भाई दिल्ली में तो लैंडिंग जहाज की हो रही है, एक के बाद एक लैंड कर रहे हैं, लेकिन मेरा टेक ऑफ नहीं कर रहा तो मेरे पायलट में ही कोई दिक्कत है कि उसको टेक ऑफ करना नहीं आता लो विजिबिलिटी में, शायद ये नया पायलट है,
शायद ये बिल्कुल नौसिखिया आ गया, ये टेक ऑफ नहीं कर पा रहा, क्योंकि लैंडिंग इज सपोज टू बी मोर डिफिकल्ट जनरल जनता के दिमाग में टेक ऑफ से। लेकिन भाई लैंडिंग के लिए 75 मीटर चाहिए और टेक ऑफ के लिए 125 मीटर चाहिए। तो अगर दिल्ली ATC रिपोर्ट करता है 100 RVR तो लैंडिंग तो धड़ल्ले से हो रही है लेकिन टेक ऑफ नहीं हो पाएगा। और इसीलिए आप बैठे रहते हैं और आपको आवाज़ आती है कि भैया प्लेन लैंड हो रहे हैं। अच्छा, जो प्लेन लैंड हो रहे हैं उनकी भी दिक्कत क्या है, वो कहते हैं हम लैंड तो टाइम से हो गए लेकिन लैंड होने के बाद प्लेन में 2 घंटे से बैठे हुए तो फ़ायदा क्या लैंड होने का, इससे अच्छा जब बैंगलोर में बैठे हुए थे वहीं बैठ जाते, वहीं उतर जाते। बिकॉज जो टेक ऑफ नहीं कर पा रहे उन्होंने सारे पार्किंग बेस और एरोब्रिज ऑक्यूपाई कर लिया, भाई जब वो निकलेंगे तभी तो जो लैंड हो रहा है वहाँ पे लगेगा, इसलिए पूरा सिस्टम गंदे से कोलैप्स हो जाता है। इसमें तीसरे और एक मेजर स्टेक होल्डर्स हैं एयरपोर्ट और टर्मिनल। इंडिया में एविएशन ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से हो रही है और उतनी तेज़ी से हमारे टर्मिनल्स हमारे एयरपोर्ट्स एक्सपैंड नहीं हो पा रहे। आप किसी भी एयरपोर्ट की बात कर लीजिए, वी टेक अ प्लान, वी बिल्ड द एयरपोर्ट एंड देन 5 ईयर्स में वो ओवर कैपेसिटी या भर जाता है। दिल्ली की बात करते हैं जहाँ पे फियास्को हुआ, तो दिल्ली में टर्मिनल बहुत छोटा है और अगर इतनी सारी फ्लाइट्स टाइम से टेक ऑफ ना करें और सारे पैसेंजर्स को हम टर्मिनल में रखेंगे तो टर्मिनल तो कोलैप्स होना ही होना है। इसीलिए जो टर्मिनल अथॉरिटीज़ हैं और ग्राउंड स्टाफ है जो एयरलाइंस का, उनकी मेन ड्यूटी होती है कि पैसेंजर्स को टर्मिनल में ना रख के पैसेंजर्स को एयरक्राफ्ट में भर देते हैं। ऑल्सो पैसेंजर्स को एयरक्राफ्ट में भर के एयरक्राफ्ट डोर क्लोज करने से क्या होता है, ग्राउंड स्टाफ का काम कंप्लीट हो जाता है। सो इफ दे आर हैंडलिंग फ्लाइट 123 विच इज़ डिपार्टिंग टू बैंगलोर इन द मॉर्निंग, जैसे ही एयरक्राफ्ट के डोर क्लोज हुए ग्राउंड स्टाफ का काम खत्म, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टन और क्रू की है, वो वहाँ से चले जाएंगे, आपको ग्राउंड सपोर्ट नहीं मिलेगा वहाँ से। तो ग्राउंड स्टाफ हमेशा चाहता है कि मैं पैसेंजर्स को एयरक्राफ्ट में भर दूँ, एंड एयरपोर्ट भी यही चाहता है कि टर्मिनल से निकालो, एयरलाइंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए, पैसेंजर्स मेरे ऊपर ना आए, इसलिए वो भी चाहता है कि एयरक्राफ्ट में पैसेंजर्स को भर दो। नाउ व्हाट हैपेंस कि अगर इतनी ज़्यादा डिले हो गई, 4, 5, 6, 10 घंटे की डिले, तो यहाँ मैं बिल्कुल सहमत हूँ पैसेंजर्स के साथ, क्योंकि यार इतनी देर से अगर आप एयरक्राफ्ट में बैठे हैं और एयरक्राफ्ट का डोर क्लोज है और आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, भाई गुस्सा जायज़ आपको आना। बट उसमें बहुत लोग कहते हैं कि यार हमें डीबोर्ड करने का ऑप्शन दिया जाए, विच आई टोटली एग्री, बिकॉज दिस कॉल्स फॉर सम प्रोसीजर जो कि एविएशन मिनिस्ट्री को, एयरलाइंस को, एयरपोर्ट्स को, सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में आना पड़ेगा, एंड दे हैव टू, क्या जो बंदा जा रहा है अपनी मीटिंग में 6 बजे की फ्लाइट लेके, उसकी 10 बजे की मीटिंग है बैंगलोर में, अब फ्लाइट 12 बजे टेक ऑफ कर रही है, भाई उसका कुछ जाने का मतलब ही नहीं है वहाँ पे, उसके पैसे बर्बाद, उसको पैसे नहीं चाहिए, उसको टाइम ज़्यादा कीमती है, तभी वो फ्लाइट से जा रहा था, अदरवाइज वो ट्रेन से भी जा सकता था। ही शुड बी गिवन एन ऑप्शन टू डीबोर्ड, बट आज की डेट में वो डीबोर्ड का ऑप्शन है नहीं। अगर है तो सिर्फ बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए आपके पास, फॉग वॉक से डीबोर्ड ऐसे नहीं कराते। उसका रीज़न ये है कि एयरलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है अगर ऐसे डीबोर्ड कराते हैं, सबको टर्मिनल लेके जाएंगे, वहाँ बिठाएंगे, वो कर नहीं सकते क्योंकि टर्मिनल में जगह नहीं है। वन मोर रीज़न ऑफ नॉट डूइंग दिस इज, वंस यू आर इन द एयरक्राफ्ट यू आर इन अ सिक्योर्ड एरिया, एक बार आप एयरक्राफ्ट से बाहर जाएंगे तो सिक्योरिटी स्टाफ जो होता है एयरलाइन का उनका काम बहुत बढ़ जाएगा, पूरी एयरक्राफ्ट की फिर से सिक्योरिटी होगी, जैसे प्रॉपर चेकलिस्ट ना, ऐसा नहीं कि पूरी एयरक्राफ्ट की फिर से सिक्योरिटी होगी, पूरे हैंडबैग्स की फिर से सिक्योरिटी और फ्रिस्किंग होगी, पूरे पैसेंजर्स को दोबारा सिक्योरिटी से घूम के आना पड़ेगा, सारा सिक्योरिटी चेक्स कराना पड़ेगा, एंड पूरे चेक्स एयरक्राफ्ट के सब कुछ दोबारा होगा। सो दिस इज़ अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। सो आई थिंक नाउ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये पूरा सिस्टम वर्क कैसे करता है। द एयरलाइंस एंड द एयरपोर्ट स्टाफ वॉन्ट यू इन द एयरक्राफ्ट, इन द एयरक्राफ्ट पैसेंजर आर गोइंग आग बबूला, इफ़ दे वॉन्ट टू गेट डाउन द प्रोसीजर इज सो बिग दैट एयरलाइंस थिंक की वापस नहीं उतारते इनको, एयरक्राफ्ट में बैठे रहते हैं। बट अनदर रीज़न विच एयरलाइंस विल टेल यू कि एयरक्राफ्ट में क्यों बिठाते हैं आपको और उतारना नहीं चाहते, बिकॉज लो विजिबिलिटी ऑपरेशंस में रनवे विजुअल रेंज RVR बहुत फ्लक्चुएट होती है, अभी 100 मीटर है, अभी 125 हो जाएगी, एंड जैसे 125 होगी एवरीबडी वॉन्ट्स टू डिपार्ट टक 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 टक, और वो शायद 20 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए ही 125 होगी, फिर गिर जाएगी वो। तो अगर आपके सारे पैसेंजर्स, क्रू ऑन बोर्ड, जहाज़ हैं, सब कुछ रेडी है, इंजीनियरिंग स्टाफ नीचे रेडी है, टो ट्रक लगा हुआ है, देन यू कैन डिपार्ट इन दैट विंडो। तो ये एक और रीज़न है कि एयरलाइंस वांट कि आप एयरक्राफ्ट में रहें, बट देर हैज़ टू बी अ प्रोसीजर कि जब 7, 8, 10 घंटे की डिले है एंड somebody wants to deboard or somebody wants to cancel or somebody doesn't want to go, यार उसको फ्रस्ट्रेशन हो गया भाई उसको निकाल, तो उसको निकाल देना चाहिए। लीगल रिपरकशंस क्या होंगे जिस बंदे ने अटैक किया है,
आई थिंक न्यूज़ आ रही है कि उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। जो कैप्टन थे वो भी गए थे पुलिस स्टेशन, जो भी लीगल कार्रवाई होगी उन्होंने कर दी है। बैटरी और असॉल्ट बहुत ही एक सीरियस ब्रीच है, नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया एयरलाइंस ने उस पैसेंजर को, बट आई थिंक नो फ्लाई लिस्ट एक बहुत छोटी चीज़ होती है, उसके ऊपर एक प्रॉपर केस चलेगा एंड ही विल हैव। उनके ऊपर कुछ FIR IPC CRPC की भी हुई हैं और एयरक्राफ्ट एक्ट से भी कुछ धाराएं लगी हैं। पास्ट में ऐसा हुआ है बहुत बार, आप हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस देखेंगे या चार्टर ऑपरेशंस देखेंगे, सम लीडर इज ट्रैवलिंग, पॉलिटिकल प्रेशर में आके वो प्रेशराइज करते हैं फाल्कन टेक ऑफ करो टेक ऑफ करो। US में ऐसा हुआ है, देयर वाज अ बिग सुपरस्टार स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ट्रैवलिंग, फेटल एक्सीडेंट्स हुए हैं। व्हेन यू प्रेशराइज द पायलट उसका डिसीजन नो गो, यू टेल हिम नहीं चलो चलो चलो, यू मीट विद एक्सीडेंट्स। एंड ट्रस्ट मी द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो इज इफ द पायलट इज नॉट टेकिंग ऑफ इट इज बिकॉज ऑफ योर सेफ्टी। डिले होगा 10 घंटे का, आपकी मीटिंग छूट जाएगी, आपका नुकसान हो जाएगा, यू विल लूज अ डील, बट एटलीस्ट यू विल बी सेफ। कैबिन क्रू को हमने इनफ थैंक नहीं किया, क्योंकि एज अ पायलट हम कॉकपिट में बैठ जाते हैं, एक डोर क्लोज हो जाता है, जैसी जैसी इंफॉर्मेशन आती है हम वो पास करते रहते हैं, बट एक्चुअल वॉरियर्स इन द एयरक्राफ्ट आर कैबिन क्रू, बिकॉज उनको दे आर लाइक अ बैरियर, दे आर द फेस ऑफ द एयरलाइन, उनको सारा पैसेंजर का गुस्सा झेलना पड़ता है। बहुत लोग रूडली बात करते हैं, बहुत लोग उनको अभद्र भाषा प्रयोग करते हैं उनके लिए, क्योंकि उनकी तो उनको जीरो नॉलेज होती है, वो तो ATC से भी बात नहीं कर पाती, वो बार बार हमें फ़ोन करती हैं, सर पैसेंजर्स पूछ रहे हैं बहुत डिले हो रही है क्या रीज़न है, और हम लोग ATC को फ़ोन करते हैं, भाई ATC को कॉल करते हैं क्या रीज़न है, और ATC के पास कोई जवाब नहीं होता, कहता भाई क्या जवाब दूँ मैं, विजिबिलिटी नहीं है, कहाँ जाओगे, यहीं बैठा रहो चुपचाप। और कभी कभी जैसे ही विंडो खुलती है 125 हुआ, सारी एयरलाइंस ऐसे मतलब सारे, फिर पता क्या होता है, फिर रेडियो भी लड़ाई होती है कि भैया मैं 30 मिनट से बैठा हूँ, तुमने उसको पैसे क्लियरेंस कैसे दे दी, यहाँ 25 मिनट से बैठा तुमने, तुम लोग पार्शियलिटी करते हो, एयर इंडिया वाले इंडिया को सही पार्शियलिटी करते हैं, स्पाइस को तुमने पहले कैसे दे दी, भाई हर जगह ही लड़ाई होती है, हर जगह ही लड़ाई होती है। तो रीज़न ये है कि यार किसी को डील अच्छी नहीं लगती, एंड आई हाईली कंडेम, चाहे कोई भी रीज़न हो। सम पीपल आर ऑल्सो सेइंग कि सम एयरलाइंस आर ग्रोइंग सो फास्ट, वो इतने ज़्यादा जहाज ला रही है कि वो ग्रोथ उनसे मैनेज नहीं हो पा रही, मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा, एंड लॉट ऑफ एयरलाइन एक्सपर्ट्स ऑल्सो एग्री एंड बिलीव इन दिस कि हाँ जब इतनी ज़्यादा रैपिड ग्रोथ करते हैं आप तो कंसोलिडेट नहीं कर पाते अपनी ग्रोथ को, बट वट एवर इज द रीज़न आई थिंक जो हाथ उठाया गया वो बहुत ही गलत था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप मैं कुछ वैल्यू एड कर पाया इस वीडियो के थ्रू, आपको अच्छा लगा तो डू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।